अयोध्या राम जन्मभूमि की शिलान्यास पर भाजपा के कार्यकर्ता मीना यादव ने दीप जलाकर जाहिर की खुशी। यूपी के जिला हमीरपुर के सुमेरपुर से भारी खुशी जाहिर करते हुए अपने घर में दीप जलाया, बताया कि राम मंदिर का सपना सभी भारतीय लोगों का सपना लग रहा था, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्ण हुआ। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए उनके विचारों और अटल रहने की प्रेरणा जन जन में जागरूक हो। मीना यादव जो कि भाजपा की महिला मोर्चा की सदस्य हैं, इनके द्वारा महिलाओं में जागरूकता और महिला उत्पीड़न में हमेशा सहायक रहती हैं और भाजपा के सदस्य होने के नाते मोदी जी के निर्देशानुसार यह कार्यरत हैं और महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती हैं और महिलाओं की सहायता करती हैं। परिचय बताएं। जी, मेरा नाम मीना यादव, भरुआ सुमेरपुर, जिला हमीरपुर, और महिला मोर्चा, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष। आप ये बताएं कि जो राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, इसके लिए आप कुछ कहेंगी? हाँ, क्यों नहीं कहूँगी, ये तो बहुत खुशी का दिन है जो हम लोगों के जीवन में आया, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से सुनते थे, हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था तब से, जब से हम लोगों ने मतलब अपनी उम्र में जब सुना कि ऐसा चल रहा है, यहाँ पे राम मंदिर का झगड़ा चल रहा है, नहीं बन पा रहा है, लेकिन ऐसे सुनते सुनते बहुत दिनों के बाद जब 2020 आया, तब हम लोगों के प्रधानमंत्री जी ने वो करके दिखाया जो उन्होंने 2014 में वादा किया था कि हमें राम मंदिर का निर्माण कराएंगे और राम मंदिर बनेगा, वो करके दिखाया। बड़ा खुशी का माहौल हुआ, जो 500 सालों में नहीं हो पाया वो 6 साल के अंदर उन्होंने करके दिखा दिया। ये बहुत हार्दिक खुशी का माहौल है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत नमन करना चाहती हूँ, और हमारे देशवासियों ने बहुत सभी ने मिलकर एकता करके सबने सहयोग किया, जिसके कारण आज हमारा राम मंदिर का निर्माण होने को चालू हो गया है और सुमेरपुर में पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में सभी मातृशक्ति महिला मोर्चा और हमारे जितने भारत के वासी हैं सब ने हार्दिक खुशी मना के दीप जलाया और लड्डू बांटे, बैंड बाजा बजवाया, और ऐसी खुशी शायद हमने कभी कल्पना नहीं की थी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, जो वादे किए थे उन्होंने वो करके दिखाया। अच्छे दिन लोग कहते थे अच्छे दिन आएंगे, हाँ अच्छे दिन आए, हम लोगों के सामने आते जा रहे हैं, और जो भी कमियाँ रह गई हैं तो अभी भी प्रधानमंत्री जी अभी भी जो वादे हैं उनके सारे करके दिखाएंगे। लोग अपना धीरज ना छोड़ें और अपना आत्मा बल मजबूत रखें, अच्छे दिन आएंगे, अवश्य आएंगे, जो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे सदा तो ऐसे अच्छे दिन आएंगे। इसके लिए आगे मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।